बजाज पल्सर NS 125 को आज फटाफट देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नया देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर प्राइस के बारे में बात करें तो हमारे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में ये आपको नज़र आ जाती है 1,29,000 रुपीज़ की ऑन रोड रायपुर की प्राइस में, करीब 3,000 से 4,000 रुपये जो प्राइस है यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आ जाती है NS 125 का। अब अपडेट्स के बारे में यहाँ पर बात करें, जो हेडलैम्प सेटअप अब इस गाड़ी को दिया जाता है, मल्टी रिफ्लेक्टर की जगह LED पूरा सेटअप दिया जाता है जो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला, अब देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत स्टाइलिश और एक बोल्ड लुकिंग मोटरसाइकिल नजर आ जाती है। इंडिकेटर्स हालांकि पहले ही जैसा ये दिया हुआ बल्ब टाइप में ही रहने वाला है। जो ब्रेकिंग आते हैं इसमें आपको फ्रंट में डिस्क आते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक नजर आने वाले हैं। फ्रंट में 240mm की डिस्क है, रियर में 130mm की ड्रम साइज नजर आ जाया करती है। जो टैंक आती है इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में नजर आने वाला है। और अगर यहां पर बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में जो कि यहां पर अपडेटेड नजर आने वाला है, ये देखा जाए तो मतलब आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है NS 160 के कंपेयर में। NS 160 की कंपैरिजन वीडियो भी आएगी। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ जाती है, यहाँ पर आपको RPM गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर नज़र आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इसका स्पीड मीटर, ओडो ट्रिप ए, यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी ये बताता है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। मोबाइल चार्जिंग की यहाँ पर सुविधा भी इस गाड़ी को अब दी जाती है बजाज की तरफ से, और यहाँ पर आपको जो इसका स्विचेज हैं ये भी आपको अब अपडेटेड नज़र आ जाता है। यहाँ पर जो मतलब इसका हेडलैम्प लो हाई बीम और यहाँ पर अपर यानी पास लाइट करने के लिए ये आपको इंटीग्रेटेड जो बटन है ये अब आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है इन मोटरसाइकिलों में। अब बात करते हैं इंजन के बारे में, तो इंजन में यहाँ पर कोई भी बदलाव बजाज की तरफ से बिल्कुल से भी नहीं किया गया है। इंजन पहले की तरह देखने को मिलने वाला है, 124.45 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve सिंगल ओवरहेड कैम एयर कूल्ड मोटर देखने को मिल जाता है, DTSI इंजन रहने वाला है। पावर यहां पर आपको 11.99 PS की और टॉर्क इसमें 11 Nm का मिल जाता है, 5-speed गियरबॉक्स सेटअप के साथ में यहां पर नज़र आने वाला है। माइलेज करीब यहां पर आप देख सकते मतलब समवेयर ये अराउंड आपको 55 km/h तक की जो माइलेज है ये आराम से निकाल कर दे दिया करेगी। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड ये आपको इस मोटरसाइकिल में नज़र आने वाली है ओपन चैन कवर के साथ में। सीट हाइट यहां पर 805mm की होने वाली है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है अगर उसके बारे में यहां पर बात करें कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह क्या और कितनी रहने वाली है, तो 179mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी को दी जाती है। बाकी जहाँ एग्जॉस्ट आता है ये आपको अंडर बैली में नज़र आने वाला है, अंडर बैली एग्जॉस्ट रहने वाला है। टायर प्रोफाइल यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 80x100 मिल जाते हैं, रियर में आपको 100x90 के मिल जाते हैं 17 inches के अलॉय व्हील के साथ में। रियर में मोनोशॉक नाइट्रॉक्स देखने को मिल जाता है। जो टेल लैंप है ये कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। बाकी गाड़ी आपको कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।